गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निकले हैं नैनीताल के लिए। आज हम नैनीताल में कैंपिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि एक गाड़ी आ चुकी है और बाकी के मेरे चार फ्रेंड आने वाले हैं दूसरी गाड़ी से। तो गाइस लेट्स गो एंड हैव फन। तैयारी पर हैं। हमारे साथ ये हैं एटी भाई, आगे बैठे हैं जो। हाय गाइस। और ये है, तो ये है हमारे फैज भाई, जो देखिए आप। ओके ब्रो, ऑलराइट। हेलो गाइस। तो हम पूरी तैयारी से हैं, काफी लोग हैं हमारे साथ और ये हमारा सारा कुछ कैंपिंग का सामान है, खाने वाने का और जो भी है ये सब हम लोगों ने रख रखा है। और ये हमारे भाई लोग हैं, ये एटी मलिक। ये ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों की छुट्टियों में जा रहे हैं घूमने। कहाँ जाएंगे? मंगोट। यहाँ से नैनीताल निकलेंगे और फिर नैनीताल से मंगोट में हम लोग कैंपिंग करने जा रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं वहाँ पर। अब आपको हम रास्ते में भी चाय वगैरह भी बनाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ओके। जब तक के लिए आप एंजॉय करिए। हमारे पार्टनर आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, नौशाद भाई, फसाद भाई और वो हमारे तीसरे भाई शाहनवाज भाई, हैवी ड्राइवर आ चुके हैं। और अभी हम लोग यहाँ खाना वाना खाने के लिए रुके हैं। काठगोदाम आ चुके हैं और हमारी पूरी टीम आ चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। पीछे रहो, हम चिकन पैक करा रहे हैं, आप देख लीजिए, आ जाइए। लोकेशन है काठगोदाम की, आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन। यह अभी डिसाइड हो नहीं पा रहा है कि चाय कहाँ बना के पीनी है। कुछ लोगों ने यहीं बना के पी चुके हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि आगे अपना बारबेक्यू बना के चाय पिए। एटी भाई ने भी यहीं चाय पी ली। अच्छा, ये भाई चार बीवी हैं इनकी, चार हैं। अच्छा, पांचवी कंधे पर तैयार है। अरे नहीं, वेट अ मिनट, हु आर यू असलम? 40 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अच्छा, 40 किलोमीटर रोड डेली। अरे भैया, चार से बात कर रहे हैं, पता कर लो, इनका इंटरव्यू लो। लो लो बात करो। हाँ बात करो, मछली मूली के बारे में। तो आपकी चार बीवियां हैं ये बता रहे हैं? मतलब ये तीन मछली तीन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी मछली का काम कर, मतलब कहाँ से कहाँ जाते हैं? जैसे कि अभी जाना है, पैदल ही जाते हैं। तो अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है? वैसे चचा झूठ नहीं बोलेंगे, 87 साल की एज है इनकी, 87। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, वो चचा जो हैं वो 87 इयर्स के हैं और वो डेली 40 किलोमीटर चल के जाते हैं। ठीक है, यहाँ से उनका कैटरिंग का काम है और वो डेली 40 किलोमीटर चलते हैं और इतनी एज में इतना चलना बहुत बड़ी बात है। वहाँ से हमने चिकन पैक करा लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइज हम यहाँ पर आ चुके हैं जूली कोट के काफ़ी ऊपर और काफ़ी ऊंचाई पर है ये जगह। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से कुछ सब्जियाँ ले रहे हैं, जैसे कि अदरक है कुछ चिकन में डालने के लिए और चाय के लिए अदरक भी लेना है। वो हमारे फैज़ भाई सामान ख़रीद रहे हैं और हमारे एटी भाई ये पता नहीं क्या स्मोकिंग कर रहे हैं बड़े। अरफात भाई, इनके भी हाथ में सिगरेट है शायद। भाई इतनी सिगरेट मत पिया करो, फिफड़े फिफड़े सब ख़राब हो जाएंगे। ये क्या है, चॉकलेट? हाँ देखें, एक चॉकलेट मुझे भी देना, किटकैट। सब्जियाँ हो गई फैज़ भाई? हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। हमारे पार्टनर अभी पता नहीं कहाँ रह गए हैं, उनकी गाड़ी अभी तक नहीं आई है, अभी सिटी नहीं आ पाई है। स्विफ्ट तो आ गई है, सिटी का कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं हमारे साथ। एटी भाई हमारे पक्के ड्राइवर हैं, पहाड़ के हैवी ड्राइवर। वी लाइक एटी भाई। कुछ देर फटी हुई है तो हम नहीं दिखाएंगे तुम। ये सिंगल रोड है नैनीताल जाने वाला और इस पे स्पीड देखें आप। अरे तो गेट भी चल देंगे। और ये पहाड़ देख, पहाड़ी पहाड़ भाई, ये धुआं ही धुआं है। कुछ देर, अरे वो देखो ऊपर वाला, उस पर बादल टिक रहे हैं भैया, वहां तक खड़े होकर मोती है, पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। ये तीव्र मोड़ है। तो गाइस हम लोग नैनीताल में एंटर हो चुके हैं और ये नैनीताल का स्टार्टिंग पॉइंट है।
ये नैनीताल का ये भवन है और तो काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से नैनीताल का, नैनीताल। और ये कोई धर्मशाला है यहाँ रुकने का, रुकने हम लोग अब शायद सिटी में एंटर कर चुके हैं और हमें तो अभी इससे भी काफी ऊपर जाके कैंपिंग करना है। हमें नैनीताल में रुकना नहीं है, बिल्कुल भी स्टे नहीं करना है हमें नैनीताल में, और सीधा निकल जाना है हमें अपने कैंप की तरफ। और ATY फुल जोश में गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल थकान महसूस नहीं कर रहे हैं। पीछे हमारे दो पर्यटक अरफात भाई और फैज भाई बैठे हुए हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग अभी? अभी तक तो जो है कुछ मौत दिखा दी है भाई साहब ने हमारे अभी कुछ देर पहले। हाँ, चल रही थी, अभी भी दोनों की फटी पड़ी है जैसे ATY ने देखा भगाई थी गाड़ी। तो टाइम ब्रो बोले उनको दिखता ही नहीं है, जो डर क्या लगा भाई, चश्मा जो है उनका कमजोर है ऐसा मुझे महसूस भाई। और जो पीछे होंडा सिटी आ रही है उसमें शादान भाई को तमाम वॉमिटिंग हुई है, जैसे वो माल रोड दिख रहा है वहाँ पर बहुत ज्यादा माल है। आप नैनीताल की शॉप्स देखिए, यहाँ से कोई भी माल खरीद सकते हैं आप। ये चाइनीज लोग भी हैं यहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है भाई। तो गाइस मास्क पे 1000 रुपए का चालान था, तो मैं जल्दी से उतर के चालान अपना मास्क लेके आया हूँ। चालान अपना लेके आया हूँ। If you don't mind, bro. ये नैनी झील है, देखिए आप कितनी खूबसूरत बोटिंग वोटिंग यहीं होती है सारी। हेलो गाइस, हम लोग नैनीताल से निकल चुके हैं, ऊपर चल चुके हैं, काफी ऊपर आ गए नैनीताल से हम लोग। और ये काफी खतरनाक रास्ता है यहाँ का, ना बंदा ना बंदे की जात। ये गाड़ी दिखी है बहुत टाइम के बाद, मेरे ख्याल में 15 दिन बाद स्नोफॉल होने लगता है इस जगह पे। ये देखिए आप, दो लड़के हमें और दिखे हैं अभी। और यहाँ नेटवर्क बिल्कुल गायब हो चुके हैं, नेटवर्क का कुछ आ ही नहीं रहा है। सिटी आ रही है, सिटी है पीछे, है सिटी जस्ट पीछे है, आप लोग देख सकते हैं। सिटी वालों क्या हाल है? गाइज तो देखो काफी अंधेरा हो चुका है यहाँ पर और हम लोग मंगोट पहुंचने वाले हैं अभी, ठीक है। और पूरा रोड सुनसान पड़ा है क्योंकि यहाँ पर लंगोट है जो भी है वो काफी ऊपर है, ठीक है। नैनीताल बहुत पीछे रह चुका है और यहाँ कोई भी नहीं है, इक्का दुक्का आदमी दिख जा रहा है बस, क्योंकि यहाँ आई थिंक शेर वगैरह भी निकल आते हैं रोड पे। और मैं ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, हीटर चला रखे हैं हमने तो इसलिए ठंड पता नहीं चल रही है अभी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, फाड़ दे रही है बिल्कुल। थकान वगैरह महसूस हो रही है? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं हो रही बात करने तक की, बोलने की भी। ऐसा लग रहा है कि बस बेड मिल जाए रेस्ट के लिए। तो देख रहे हैं हमारी पूरी जो टीम है वो काफी थक चुकी है और ATY की भी आई थिंक काफी ज्यादा थक चुके हैं, क्योंकि 200-300 किलोमीटर बहुत लंबा होता है लगातार चलने के लिए। दो गाड़ियां दिख चुकी हैं हमें काफी टाइम के बाद, ये दो, एक स्विफ्ट और एक शायद बुलेनो जा रही है। और यहाँ का टेम्परेचर काफी लो होता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जा रहा है। ओहो, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा मरा रही है अपनी, लग रहा है इस ठंड के हिसाब से बर्फ पड़ रही होगी ऊपर। ओहो, माउंट एवरेस्ट पूरा बर्फ का पहाड़। और अब बिल्कुल अंधेरा हो गया है और 400 किलोमीटर पार कर चुके हैं। ओ, ये क्या रोड ब्लॉक कर रखा है इसने? ओहो, अभी थोड़ा बढ़िया हिसाब किताब है, देखना ऊपर से। अभी ये व्यू पहाड़ का व्यू आ रहा है, देखो बिल्कुल नीला नीला आसमान, बिल्कुल नीला हो रहा है और रात का समय है, क्लेश का बसेरा है इन पहाड़ियों में। गाइस हम लोग पंगोट पहुंच चुके हैं और ये देखो क्या व्यू आ रहा है इसमें। कैंप पंगोट के कैंप में हम लोग आ गए। तो गाइस ये गांड फट गई है लाते लाते जैसे कैंप दिखा देख लेते हैं कैसा है। ये एक ही में एक बार डालेंगे।
एक कैंप ये है और दूसरा कैंप उस सामने। फील राइट नाउ भाई, फीलिंग इज समथिंग लाइक आई कांट एक्सप्रेस। व्हाई व्हाई द रीजन वी हैव मेड अ बिग चुतियापा। क्या बोले अ ग्रेट टाइम हियर। या एवरीवन। यस सो एंड नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई गेस समवन विल start preparing the tea. And plus egg. Enjoy. Wild egg. Wild egg with enjoy. So, tell me something about this camp. How you feel in this camp? Arfad bhai. Camp looks good. Altamaj bhai. I guess night is going to be very nice, fantastic and fabulous look. Eti bhai gaadi chala ke aaye hain 300 kilometer paar karke. आज रात पूरी रात एंजॉय चलेगा यहाँ पर, पूरी रात एंजॉय चलेगा। इमरजेंसी सर्विस, बहन की मार डाला बिना सिग्नल के। सिग्नल नहीं है। वी गो फॉर कुकिंग। फाइंड एफर्ट फॉर इंडियंस, एवरीवन विल बी कंट्रीब्यूटिंग। या ऑफ कोर्स। इधर इट्स टी प्रिपरेशन और दी फ्राई। नौशाद भाई बिल्कुल साइलेंट आए हैं और साइलेंट ही मुझे लग रहा है चले जाएंगे। बेगम ने मना कर दिया है, नौशाद भाई की शादी हुई है। हमने कहा खूब बोलो। ये पार्टी जो चल रही है ना यहाँ पे, इनकी शादी की खुशी में चल रही है। हाँ, स्वामी भाई भी काफी गजक खा रहे यार माचिस सारी। और ये हमारा एक दिन का किचन लग गया है, मिनी मॉल। मिनी मॉल से कम नहीं। क्या करो, जलाओ प्रसाद भाई का इंतजाम। पूरी सुपर मार्केट खोल के रख दी यहाँ। तो ऐ सनम चांद को तेरी तस्वीर बना कर रोए हैं। वाह वाह, शायर भी मामा लग रहा है, अभी जल्दी में बना है। कार्यक्रम गाइज, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ की खूबसूरती तो आप देख ही रहे होंगे, तो बने रहिएगा और वेट करिए नेक्स्ट व्लॉग का। अरे ओए, मैं कुत्ता।